उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में शुक्ल बाजार पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। एसपी दिनेश सिंह ने किया खुलासा, डकैती की योजना बनाते समय 6-7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से 11 अवैध असले व 20 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चला कि ये सभी 7 बदमाश ट्रक रोक कर करते थे लूट। वहीं थाना शुक्ल बाजार क्षेत्र के पास से किया बदमाशों को गिरफ्तार। इन सभी 7 बदमाशों के ऊपर यूपी समेत अन्य प्रदेशों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। देसी असलहे और विदेशी पिस्टल भी शामिल हैं, किस तरीके का मामला है और कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, किस किस घटनाओं में लोग संलिप्त रहते थे? कल एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस को लगी, जिसमें बाजार शुक्ल और SOG थाना बाजार शुक्ल और SOG की टीम की सफलता है। ये डकैती की योजना बना रहे 6 अभियुक्तों को हमने रात में मुर्गी फार्म निकट धौताल तिराहा के पास से गिरफ्तार किया। इनके पास से कुल 11 अवैध असलहे, 20 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया। इसमें मुख्य अभियुक्त रज्जब अली, दीपक सिंह, राहुल यादव, अरुण कुमार पांडे, संदीप यादव और देवमणि दीक्षित गिरफ्तार हुए। इन सबके पास से असलहे बरामद हुए। इसमें रज्जब की एक बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है, ये डकैती, हत्या, लूट, इसकी 21 की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके विरुद्ध 21 अपराध वर्ष 2000 से लेकर के 2092 से लेकर के अब तक इसके विरुद्ध 21 अपराध पंजीकृत हैं। वर्ष 2000 में भी इसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत हुआ है। ये मुख्य रूप से ये योजना में मुख्य सूत्रधार था और साथ ही ये असलहों की सप्लाई भी करता था। हम इसके और भी अभी सुराग और लगा रहे हैं कि ये कहां से इसकी चेन जुड़ती थी। अभी भविष्य में हम इसमें इस चेन की और गहराइयों तक जाएंगे और उनका भी अनावरण करेंगे। फिलहाल इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और 11 अवैध शस्त्रों की बरामदगी हुई, 20 कारतूस और 1 खोखा कारतूस, 20 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। तो हम इस टीम को, जिसने इस अच्छी बरामदगी करी और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, मैंने 5,000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की। जिस तरीके से इनका आपराधिक इतिहास रहा है, डकैती की योजना बनाना, लोगों को सशस्त्र सप्लाई करना, तो कुछ इन लोगों ने अपनी पूछताछ में कबूल किया है कि किस अभी तक अमेठी में इसमें ये कई लोगों को असलहे दिए हैं इसमें, तो वो हम जानकारी कर रहे हैं और उस दिशा में कार्रवाई। ये आपराधिक इतिहास जो है केवल अमेठी जिले का है कि अन्य जनपदों में? आपराधिक इतिहास इसका निकटवर्ती जनपदों का भी है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें एक अपराध इसका भीलवाड़ा राजस्थान का है, वहाँ भी ये डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार हुआ था। वाराणसी का भी इसका अपराध है और बाकी अमेठी के अपराध हैं। अमेठी में इसने 396 मतलब हत्या के साथ डकैती के भी इसके विरुद्ध 2 अपराध हैं, 394 का अपराध है, 302 का अपराध है, 396 के इसके खिलाफ 4 अपराध, मतलब जिस रज्जब ने 396 के 4 अपराध किए हैं। और कल मुख्य सूत्रधार के रूप में वो था और सारे शस्त्रों की सप्लाई उसके द्वारा ही उन समस्त अभियुक्तों को की गई थी।